मोबाइल के बारे में सब मालूम होगा, मोबाइल मोबाइल, इसके बगैर तो रात को नींद भी नहीं आती, इसकी चार्जिंग ना हो तो बीवी पर भी गुस्से हो जाता है। मोबाइल में क्या करना मेरे प्यारे, ये मेरे को बताओ ना आखिर, मोबाइल मोबाइल मोबाइल, ये मोबाइल नहीं मेरे प्यारो, अल्लाह के वास्ते बहुत दूर से आया मुसाफिर हूं, एक भिखारी की तरह भीख मांगता हूं आपसे मेरे दोस्तों, ये मोबाइल की आवारागर्दी से बचो, वरना ये मोबाइल एक दिन हमको जहन्नम में लेकर चला जाएगा। क्योंकि मोबाइल जीना तो मोबाइल में, गीबन तो मोबाइल में, सट्टा बाजारी तो मोबाइल में, जुआ करना तो मोबाइल में, अरे मेरे दोस्तों झूठ बोलना तो मोबाइल में, किसी पे तोहमत लगाना तो मोबाइल में, कौन सा गुनाह है जो हमने मोबाइल पे नहीं किया। ये हमारे जवान ये बैठे नंगी नंगी औरतों की फिल्म लाते हैं, कोई लड़की नाचती हुई होगी, आधा कपड़ा पहनी होगी, वो मोबाइल पे आएगा, वो क्लिप मोबाइल पे आती है, फौरन अपने दोस्त को फोन करता है, ए तेरा व्हाट्सएप ऑन कर दे, बहुत अच्छी क्लिप भेज रहा हूं। वो वहां से व्हाट्सएप ऑन करके फिर क्या बोलता मालूम, सुपर हिट भेजा, सुपर हिट तूने भेजा। अब वो दूसरा वाला कार्टून क्या कहता है, तू फिक्र मत करना, क्या तूने सुपर हिट लड़की को भेजा है नंगी नाचती हुई, आधे कपड़े पहन के नाचती हुई, तू फिक्र मत करना, मेरा ग्रुप बहुत बड़ा है, एक बटन दबाऊंगा 200 ग्रुप में वो लड़की चली जाएगी। चली गई वो लड़की, ए भगवानपुर वालों, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे घर में बेटी नहीं है, हमारे घर में बेटी बहन मां, तो जिसको तुम नंगा नचा रहे हो वो भी तो किसी की बेटी होगी ना, किसी की बहन होगी ना, उसका भी तो कोई बाप होगा ना। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कमा तदीन तुदान, हमारे नबी ने फरमाया जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज किसी और की लड़की को हम नचाते हैं, आज किसी और की बेटी की इज्जत पर हम हमला करते हैं, कल वो दिन ना आए कि हमारी बेटी को भी नाचना पड़े, हमारी बहन को नाचना पड़े, हमारे घर की बहू को नाचना पड़े। और जब नाचना पड़े तो ये मत कहना कि मेरी बहू गलत है, मेरी बेटी गलत है, मेरी बहन गलत है, उस वक्त अपने आप को कहना सबसे बड़ा कमीना और गुनहगार तू है, आज तूने किसी और को नचाया, कल बड़े बाजार में हमको भी हमारी इज्जत देनी पड़ेगी। क्यों कर रहे हो ऐसा भाई, सच बताना मेरे प्यारे दोस्तों, आज पूरा दिन गुजर गया होगा, बोले ना आज पूरा दिन, आज का दिन छोड़ो आज की तो आप जलसे में आए, कल का दिन पूरा गुजर गया होगा, मैं कसम खाकर कहूं तो गलत नहीं होगा, यहां 50% मजमा वो बैठा है जिसने कुरान करीम को हाथ भी नहीं लगाया होगा, कल पूरा दिन न कुरान पढ़ा होगा, न कुरान सुना होगा, न कुरान पढ़ाया होगा, न कुरान को हाथ लगाया होगा, बल्कि भगवानपुर वालों अगर अल्लाह की कसम खाओ, हमारे बहुत से मुसलमान जमाना हो गया उसने कुरान पाक को देखा तक नहीं है, हालांकि हमारे नबी फरमाते मोहब्बत के साथ मेरे कलाम को देख ले तो कुरान देखता जाएगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ करता चला जाएगा।